जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूके ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही यानी कि परिवहन आरक्षी एग्ज़ाम 2024 सोल्ड पेपर के बारे में। यहाँ पर गाइस आपको सभी सवालों के सटीक जवाब दिए जाएंगे। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका 30 जून 2024 को हुआ है। एग्ज़ाम टाइम 10 बजे से 12 बजे तक था और इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 100 थे। पेपर सेट आपका ये सी है। तो यहां पर आपको सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे बहुत ही कम समय के अंदर। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन रीड करके बताया जाएगा और फिर जो उसका आंसर है वो बताया जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा समय लेना है उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं और ऑप्शन को देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला सवाल आता है कि दोफरा का बटोई छेलू बेटी जा किसकी गीत रचना है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी की। सवाल नंबर दो है आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि इनिएक। सवाल नंबर तीसरा है सूची फर्स्ट को सूची टू से सुमेलित कीजिए। तो आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको सभी जो सूची है वो दी गई है। राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2431। सवाल नंबर चार है प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। सवाल नंबर पाँच है निम्नलिखित में विदेशी उपसर्ग है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि बै। सवाल नंबर छः है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सोना। सवाल नंबर सात है मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि चूहा। सवाल नंबर आठ है निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि ये। सवाल नंबर आपका जो नाइन्थ है वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर है सी इनके निरस निस का अर्थ ऊपर अर्थ है ऊपर। सवाल नंबर दस है ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। तो राइट आंसर है आपका ए यानी के प्रोक्ति। सवाल नंबर 11 में भी आपको सूची फर्स्ट से सूची टू को सुमिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा आपका बी यानी के 4312। सवाल नंबर 12 है पारूपण शब्द का पर्याय है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी के उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 13 है निर्मला झाड़ू लगाती है इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है। सवाल नंबर 14 है थरुवाट क्षेत्र कहलाता है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि खटीमा सितारगंज। सवाल नंबर 15 है मुँह से गाँव गाँव बिराऊ हानी हंसी खेई लोकोत्ति का अर्थ है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। सवाल नंबर 16 है हिंदी में कितने नासिकीय व्यंजन है। तो राइट आंसर है डी यानी कि 5। सवाल नंबर 17 है नो कोरी बया लोकोत्ति का अर्थ है। तो राइट आंसर है आपका, अभी इसका सटीक आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मैं आपको बता दूं कि इस आंसर जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर सोल्ड पेपर कुछ क्वेश्चन के जो आंसर रह जाएंगे वो मैं आपको कमेंट पिंड के माध्यम से बता दूंगा। बाद में आप वीडियो को आकर के एक बार देख लीजिएगा, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। अभी सवाल नंबर 18 है सूची फर्स्ट को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। तो राइट आंसर आपका यहां पर जो आएगा वो आएगा बी यानी कि 2143। सवाल नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो राइट आंसर है ए यानी कि अनिमा। सवाल नंबर 20 है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर 20 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ऑप्शन ए यानी कि विखंडन। अब गाइस यहां पर सवाल नंबर 21 जो आपका शुरू होता है इसमें राज्य से संबंधित विविध जानकारी के क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर है ए यानी कि तुगियल। सवाल नंबर 22 है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट सूची टू आपके सामने है, जो उसका राइट आंसर आएगा वो आएगा बी यानी कि 4321। सवाल नंबर 23 है अमरनाथ के संदर्भ प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि टिम्बर श्रेण महादेव। सवाल नंबर 24 है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर आएगा आपका बी जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 25 है उत्तराखंड विजन 2023 के मुख्य चार लक्ष्य समूह से निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि नव परिवर्तन। सवाल नंबर 26 है थाप नाट एवं जयंती क्या है। तो सवाल नंबर इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए यानी कि
भवन निर्माण कला के प्रकार। सवाल नंबर 27 सूची फर्स्ट है सूची टू है, तो आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए यानी कि 2143। सवाल नंबर 28 है प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि राजा गुमान सिंह। सवाल नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि पिथौरागढ़। सवाल नंबर 30 है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो राइट आंसर आएगा आपका डी, इनके सभी 1, 2 और 3 सही है। सवाल नंबर 31 है नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, तो राइट आंसर इसका भी ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सवाल नंबर 32 वह शिव का पुत्र है और सदानंद भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है, यह कौन सा ईश्वर है, तो राइट आंसर है आपका सी एन के कार्तिक है। सवाल नंबर 33 है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक है, तो राइट आंसर है ए एन के 4। सवाल नंबर 34 है उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने कराया था, तो सही जवाब है आपका ए यानी कि रानी खनेटी। सवाल नंबर 35 है तो यहाँ पर आपको सूची दी गई है, इसका जो राइट आंसर है वो ए आएगा 4321। सवाल नंबर 36 है पादरी रेवरंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियों प्रारंभ की, तो राइट आंसर है आपका ए एन के नैनीताल से। सवाल नंबर 37 निम्नलिखित कथनों को पढ़े, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका, अभी अवेलेबल नहीं है माफी चाहता हूँ, तो ये कमेंट पिंड में आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 38 है उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है, तो राइट आंसर है आपका सी एन के हिमाद्री। सवाल नंबर 39 निम्नलिखित कथनों को पढ़े, तो राइट आंसर आएगा आपका सी एन के 1 और 2 दोनों। सवाल नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि हरिदत्त शर्मा। सवाल नंबर 41 में यहां पर सूची दी गई है सूची फर्स्ट सूची टू, आप देख लीजिएगा, राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 42 है अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि लोहाघाट। सवाल नंबर 43 है निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि गेहूं। सवाल नंबर 44 है निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी एन के बूढ़ा केदार। सवाल नंबर 45 आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए 4123। सवाल नंबर 47 है भारत सरकार द्वारा, सवाल नंबर 47 आप यहां पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट इनके प्रथम। सवाल नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी के गोपेश्वर गोथला। सवाल नंबर 53 है निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यानी के कीर्ति शाह। सवाल नंबर 54 है निम्नलिखित कथनों को पढ़े, तो यहाँ पर आप कथन एक और कथन टू पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी यानी कि 1 और 2 दोनों। सवाल नंबर 55 में भी सूची दी गई है, आप इनको पढ़िए और जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। सवाल नंबर 56 है उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तराकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद। सवाल नंबर 57 है स्नेह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि क्रिकेट। सवाल नंबर 58 आप देखेंगे उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। सवाल नंबर 59 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो कथन है आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और राइट आंसर आएगा एक ए यानी कि केवल एक। सवाल नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है, तो राइट आंसर जो आपका है वो है आपका डी यानी कि कश्मीरी हाट। अभी यहाँ पर गाइज सवाल नंबर 61 शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर बोला गया सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता से जुड़े क्वेश्चन, तो सवाल नंबर 61 है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे, तो राइट आंसर है बी यानी कि 14। सवाल नंबर 62 है पी क्यों RST पिकनिक के लिए जाते हैं, पी क्यों का पुत्र है किंतु क्यों पी का पिता नहीं है, RS का पुत्र है जो कि पी का भाई है, TS की पत्नी है, इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 3। सवाल नंबर 63 है यदि नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट में परिणामों को लाने के लिए समान संक्रिया अपनाई गई हो तब संख्याओं के द्वितीय सेट में प्रश्न चिन्ह
पर्सन सूचक चिन्ह को निम्न में से कौन सी संज्ञा प्रतिस्थापित करेगी? तो राइट आंसर है आपका, अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूँ, इतना टाइम वेस्ट हो गया क्वेश्चन को रीड करने में, तो इसका जवाब आपको कमेंट पिंड में ही मिलेगा। सवाल नंबर 64 है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आएगा बी यानी कि 1000। सवाल नंबर 65 देखेंगे, कूट लेखन में क्लैरिटी को 174 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में फ्रोजन को किस कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 168। सवाल नंबर 66 है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि शुक्रवार। सवाल नंबर 67 है, 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक वर्त में खड़े हैं, डी और सी के बीच बी है, ई और सी के बीच में ए है, डी के दाईं तरफ एफ है, ए और एफ के बीच में कौन होगा? तो राइट आंसर है डी यानी कि ई। सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, घड़ी का समय, जन प्रतिबिंब, तो राइट आंसर आएगा आपका डी। सवाल नंबर 69 है, आप यहां पर क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको जब एक व्यक्ति एक बिंदु से इस तरह से इसको पढ़ लेंगे, राइट आंसर आएगा आपका ए यानी कि उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। सवाल नंबर 70 है, दी गई आकृतियों में से, तो आकृति यहां पर अवेलेबल नहीं है, आप आपके क्वेश्चन पेपर से देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी। अब गाइस सामान्य ज्ञान एवं सामान्य धन से जुड़े क्वेश्चन आपके सामने, तो 71 क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है, तो राइट आंसर है ए यानी कि प्रिंट लेआउट। सवाल नंबर 72 है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टाने हैं? तो राइट आंसर है सी यानी कि आगरे चट्टाने। सवाल नंबर 73 है, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? तो राइट आंसर है सी यानी कि लाला लाजपत राय। सवाल नंबर 74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका यहां पर आएगा ए यानी कि केवल कथन फर्स्ट सही है। सवाल नंबर 75 है, सूची फर्स्ट को सूची टू से सुमेलित कीजिए, तो यहां पर आपकी सूची आपके सामने, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और राइट आंसर आएगा आपका सी यानी कि 1342। सवाल नंबर 78, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है सी यानी कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य है। सवाल नंबर 79 है, एआई टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि ओपन एआई। सवाल नंबर 80 है, पश्चिमी घाट किसे कहे जाते हैं? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सह्याद्री। सवाल नंबर 81 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आएगा आपका बी यानी कि केवल कथन 2। सवाल नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन आपके सामने है, तो राइट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सवाल नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन से एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो राइट आंसर है सी यानी कि कौशल प्रशिक्षण। सवाल नंबर 84 है, सूची फर्स्ट को सूची टू से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा डी। सवाल नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो राइट आंसर आपका आएगा बी यानी कि 14। सवाल नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन दोनों आपके सामने, एक नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं, तो आप देख लीजिएगा, और राइट आंसर आएगा सी यानी कि दोनों कथन सही है। सवाल नंबर 87 है कि एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि कुकी। सवाल नंबर 88 है, सूची फर्स्ट सूची टू, तो इसमें जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 2143। सवाल नंबर 89 है, समतल घाटिया जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि शिवालिक एवं टोंस नदी के मध्य है। सवाल नंबर 90 है, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है सी यानी कि रसायन। सवाल नंबर 91, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो राइट आंसर आएगा डी यानी कि मानस असम। सवाल नंबर 92 है, सूची फर्स्ट सूची टू, तो इसमें जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका बी यानी कि 4321। सवाल नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री बने? तो यहां पर बोला कि नीचे दिए गए कूट के सहायता से उत्तर का चयन कीजिए, तो कूट की सहायता से जो सही जवाब आएगा वो आएगा बी यानी कि 1, 3, 4 और 5। सवाल नंबर 94 है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है, इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सवाल नंबर 95 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है? तो राइट आंसर है सी यानी कि संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य है। सवाल नंबर 96 है, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर है बी यानी कि कृषि क्षेत्र। सवाल नंबर 97 है, निम्न में से कौन सा युग्म
गोदूम सही नहीं है। तो राइट आंसर आएगा सी, यानी कि जायद प्रमुख फसलें चावल मक्का मूंगफली सब्जियां एवं फल। सवाल नंबर 98 सूची दी गई है फर्स्ट टू, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर बी। सवाल नंबर 99 में भी नीचे दो गए वक्तव्य है, तो वक्तव्यों को यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सही जवाब अवेलेबल नहीं है, कमेंट पिन में मिल जाएगा। और सवाल नंबर 100 है, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना। तो राइट आंसर है ए, यानी कि नॉर्वे। तो गाइज ये थे आपके सभी सवालों के जवाब, जो सवाल के आंसर रह गए वो जैसे कि मैं अब आपको बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट पिंड में मिल जाएंगे, और इस आंसर की के अकॉर्डिंग, इस सोल्ड पेपर के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए हैं वो आप कमेंट के माध्यम में सभी भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। और अगर आपका किसी क्वेश्चन के साथ में आंसर मैच नहीं कर रहा जो आंसर मैंने दिया उसको, तो फिर आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।